ये सवाल है जी, अगर कपड़ों पर कट लग जाए खुद बखुद तो क्या होता है, और कपड़े अचानक गुम हो जाएं और फिर कुछ दिनों बाद मिल जाएं तो हालांकि बहुत ढूंढ चुके होते हैं, तो ये क्या है? तो ये सब शयातीन जिन्नात करते हैं। अमूमन कपड़ों को ऐसे ऐसे कपड़े आते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे संदूक पूरे पूरे जहेज भरे हुए, पूरे पूरे दो दो संदूक, पूरे पूरे 20-20 50-50 जोड़े, ऐसे उनका हाल होता है कि अल्लाह माफ फरमाए कि किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उसके बंद संदूकों के अंदर से। कि यही है कि शयातीन से बचने के जो तरीके बता रहा हूं, सुबह शाम की दुआएं, अपने अमाल का जायजा ले, ये नहीं कि दुआएं पढ़ते रहे और दूसरे काम करते रहे, नहीं जी नमाज पढ़ लेती है तो की हो गया, जो ड्रामा देख ही लेता है तो होता ना ऐसा, तो ड्रामे वाला जो खबीस है वो क्या लगता है मेरी बहन का या बेटी का जो उसको मैं देख रहा हूँ या वो मुझे देख रही है, नहीं जी नहीं ये तो हमें नहीं ना देखते, ये जो है ये एक्टर जो है जो नाम है उनके लेते हैं लोग, वो तो तुम्हें तुम तो उनको देख रही हो ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो समझता हूँ कि उम्मे अपना अब्दुल्ले में मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला की जो हदीस है कि आप सल्लम फरमाया तुम क्यों आई हो इसके सामने या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नबी ना है, तो आप सल्लम फरमाया तुम तो नबी नहीं हो। मैं समझता हूँ ये हदीस है, ये वजाहत करती है कि तुम्हारा भी देखना सही नहीं है, तो इसलिए अपने घरों को इन चीजों से पाक करें, अल्लाह की मदद रहेगी इंशाल्लाह।